हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन जैसे जो भी सब तैयारियां होती हैं, हमने वो पहले दिन से कर ली थी, यानी 26 में कर ली थी। 27 को हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पे। और सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8, बच्चे उठ गए हैं और यहाँ पे बच्चों को नहलाने की तैयारियाँ हो गई हैं। अभी जो मैं यहाँ पे नहला रही हूँ बच्चों को, यहाँ पर सिंपल जल, तुलसी जल और गंगा जल डालकर यहाँ पे नहला रही हूँ, क्योंकि जो हम नहलाएंगे पंचामृत से वो रात को नहलाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी चंदन से नहला के चमका देते हैं बाबू को अच्छे से, क्योंकि बाबू सुंदर सुंदर दिखेंगे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनेंगे। तो इसलिए जैसे कि हम किसी त्यौहार पर चमकते हैं अच्छे से, किसी के अपने आप को साफ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वैसे वैसे वाले भाव से बाबू को चंदन से नहला दिया है यहाँ पे अच्छे से। छोटे बच्चों को भी नहलाया था, बड़े बाबू को दिखाया है नहलाते हुए, छोटे बच्चों को नहीं दिखाया था क्योंकि काम ज्यादा होता है और टाइम कम होता है। त्योहार के दिन एक्स्ट्रा काम होते हैं, देखने भी लगता है कि भाई ठीक है सबने फास्ट रखा है और खाना नहीं बनेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। फास्ट के दिन और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू को नहला दिया है अच्छे से और यहाँ पे बाबू को पाउडर लगा दिया, क्योंकि ना ये ड्रेस पहनने वाले हैं वो थोड़ी सी अस्तर वाली मोटी ड्रेस है, तो उनको चुभे ना, दिक्कत ना हो। वैसे चुभने वाली है नहीं, इसके नीचे मैंने सॉफ्ट अस्तर लगाया। और जो मैंने ये ड्रेस बनाई है ना, ये जो मैंने साड़ी है ना फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, साड़ी से दो साड़ियाँ मंगवाई थी, ऑरेंज और एक ये येल्लो, ये जो मैंने ड्रेस लगा के अपने हाथ से बनाई है बाबू के लिए। और यहाँ पे ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि साड़ियों से ड्रेस बनाने का ये फायदा होता है, क्योंकि ना उनसे ना घेर बहुत अच्छा आता है सर्कल में, जितना हम चाहते हैं उतना हम घेर, क्योंकि 5 मीटर की साड़ी होती है तो अच्छे से घेर निकल के आता है साड़ियों में से। इसलिए यहाँ पे मैंने साड़ी से बनाई है, मैंने दो बना दिए हैं फ्लिपकार्ट से मंगवा कर। और जो मैं आगे नेक्स्ट ड्रेस बनाने वाली हूँ ना, वो भी मैं फ्लिपकार्ट से सर्च करती रहती हूँ, जो साड़ी मुझे पसंद आती है बाबू की ड्रेस के अकॉर्डिंग वो मैं सेव कर लेती हूँ, और जब कोई त्यौहार आता है तब मंगवा के बना लेती हूँ। तो यही करती हूँ मैं, आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ना साड़ी प्रिंट भी अलग सुंदर सुंदर प्रिंट होते हैं, अच्छे प्रिंट होते हैं। तो ये नेट की साड़ी है, इस पर ना दिख नहीं रहा है वीडियो में, इस पर ना छोटे छोटे व्हाइट बूंदी बूंदी वाला जो है ना वर्क हो रखा है। तो बाबू को सजा दिया है अच्छे से, हार वगैरह पहना के बाबू को यहाँ पे ड्रेसअप करके बैठा दिया है, कंगन वंगन सब कुछ पहना के श्रृंगार करके बाबू को। और देख सकते हो आप बाबू कितना सुंदर लग रहा है। जब तो त्योहार होते हैं बाबू सजा के बैठते हैं ना, वैसे गर्मियों के दिनों में ना मैं कम पहनाती हूँ जो श्रृंगार वगैरह, हैवी ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, हल्के के कपड़े पहनाती हूँ। लेकिन जिस दिन त्योहार होता है उस दिन बाबू पूरा श्रृंगार करके बैठते हैं ना, तो बस लगता है कि उन्हीं को देखते रहे, बस फिर कोई काम ना करें, लेकिन टाइम होता नहीं है। हाँ, बीच बीच में आकर उनसे मिलते रहते हैं काम करते हुए। तो यहाँ पे जन्माष्टमी तैयारी हमने पहले दिन कर दी थी डेकोरेशन वगैरह, लेकिन वहाँ पे मैंने बिठाया नहीं था बाबू को अभी, क्योंकि ना मोटी हुई ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ पे बाबू को अभी ना एसी वाले रूम में बैठाया है ताकि उनको गर्मी ना लगे। बाहर वो डेकोरेशन हो रखी है, वहाँ पे फैन है और थोड़ा मौसम धूप निकल रही है, गर्म हवा लग रही है फैन की, तो इसलिए नहीं बिठाया। तीनों बच्चे यहाँ पे रेडी होकर बैठ गए हैं, तबला ढोलक उनको दे दिए हैं कि आप यहाँ पे खेलो, तब तक अपनी बातें करो, लाडो अपना पर्स और लेके यहाँ पे बैठी मैं हैं। अब जाकर भोग लगाने की तैयारी करूँगी। मंदिर में साफ सफाई करनी है वो कर लूँगी। यहाँ पे बच्चों की भोग पूजा आरती यहाँ पे मंदिर में करने के बाद यहाँ बच्चों को दे दी है। हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ना अकेले हैंड काम करना होता है। पूजा के बीच मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, जैसे बनाती हूँ कभी कभी देखना अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे ये भैया आ गए हैं, चादर देख रहे हैं कॉटन की, बिल्कुल प्योर खादी, हल्का सा मिक्स होता है इसमें, कॉटन चादर है जो गर्मियों में हम ओढ़ कर सो जाते हैं। बिल्कुल पतली पतली चादरें होती हैं ये, 2.5 मीटर की चादरें थी, तो मुझे सही लगी। हस्बैंड जी ने इनको रोक दिया था और इनको सही लगी, तो ये वाइट थी। मैंने भी इनको पूछा कि आपके पास कलरफुल नहीं है, थोड़े बहुत हल्के हल्के कलर हैं, तो बोले कि नहीं है नहीं, लेकिन मेरे पास कलर है, मैं इसको आपको सर जो भी कलर आप करवाना चाहते हो मैं आपको कलर करके दे दूंगा, आप सुखा लेना। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। तो मुझे यहाँ पे कई कलर अच्छे लगे, तो मैंने दो दो चादरें उन कलर की करवा ली थी। पहले यहाँ पे ना एक लाइट पैरट ग्रीन जो होता है पहले, उसकी दो चादरें करवाई थी। फिर मन हुआ कि और करवा लूँ एक दो, क्योंकि ऐसी चादरें ना मतलब पतली पतली चादरें तो मतलब सर्दी मतलब गर्मियों में बहुत अच्छे से काम करती हैं। कोई गेस्ट आ जाए उनको भी दे दो, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मच्छर लगते हैं, तो उस टाइम पे ये चादरें काम आती है कि गर्मी भी ना लगे और मच्छर भी ना काटे, तो उस टाइम के लिए। देखो यहाँ पे ना एक चादर, दो नहीं दो चादर, मतलब एक कलर का ना दो जोड़े करवाए थे, जैसे कि पैरेट ग्रीन ने इसके दो जोड़े करवा दिए थे, फिर दो जोड़े पिंक के करवाए थे और मैंने। पता है इन्होंने जैसे कलर कैसे किया था, इन्होंने जो है ना बाल्टी में सर्फ जो आता है कपड़े धोने वाला वो डाला था,
डिटर्जेंट और यहाँ पे नमक डाला था और उसमें कलर डाला जो उनके पास था पाउच में, सूखा कलर था लेकिन नहीं था, जो पाउडर फॉर्म में होता है वो था, और उन्होंने डाल के इसमें कलर को और अच्छे से सब मिक्स करके उसके बाद यहाँ पे कलर जो कपड़ा है मतलब जो भी कपड़ा है वो डाल दिया था। कहिए वंशु से इन पूछ ले चादरों को गोपा ना को, पहले मुझे ना सुखाने के बाद प्रेस करना होगा वंशु से ताकि कहते जो वो हैं। कलर है उसमें ब्लैक नहीं रहेगा, तो यूज करने के बाद उनको इस तरह से धो दिया ना अब प्राइस भी सारा बता कलर जो देगा। उनका आधा वाला आधा कलर तो निकल जाएगा, आधा कलर फेल जाएगा। थोड़ा डार्क से यहाँ पे लगवाया है ताकि सूखने के बाद और एक बार धोने के बाद कलर दिखने का जरूर, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा डार्क सा लगवा दिया है ताकि जो निकलने के बाद आधा बचेगा तो वो कलर ठीक लगे, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल फेड हो चुका है और कलर वो फेड हुआ ऐसा लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे ना वंशु खड़ा हुआ कुछ से कुछ सामान लिया था यहाँ पे, और फिर दो चादरें प्रिंट भी करवाई थी इस तरह से, उन्होंने प्रिंट को भी इस तरह से मिक्स किया था। दो चादरें प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे दो चादरें मैंने ब्लू जो फ्रोजी कलर होता है, फ्रोजी सी ग्रीन बोल सकते हो, सी ग्रीन मेरा आसमानी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे वीडियो में बहुत डार्क दिख रहा है, इतना डार्क है नहीं, मुझे नहीं पता क्यों दिख रहा है डार्क, इतना डार्क नहीं था, ये सिर्फ लाइट पिंक जो होता है ना वो था, यहाँ पे बहुत डार्क दिख रहा है, ये तो बिल्कुल रेड दिख रहा है यहाँ पे। तो दो चादरें ये हो गई हैं उसकी पिंक की, अभी फिर दो चादरें करवानी है फिरोजी कलर की, जो थोड़ा सा लाइट सा आसमानी कलर लगता है ना वैसा। तो भैया ने यहाँ पे इनको चादरों को सुखा दिया है खुद ही करके, ये देखो यहाँ पे ना ये कलर भी ऐसे लग रहा है, डॉक्टर लोग रखते हैं ना हॉस्पिटल में वैसा लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं, ये वीडियो में दिख रहा है। तो दो चादरें यहाँ पे जगह है सुखाने की, इनको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, और कभी कभी ना घर बैठे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, दुकान भी जाना नहीं पड़ता, तो मैं जब कभी ऐसा होता तो ले लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर शॉपिंग शॉप से ही करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पता है क्या होता है, ये लोग तो चले जाते हैं कपड़ा देखे गए कुछ सामान देखे गए, उसकी गारंटी कौन देगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो भी सामान देती हूँ वो मैं शॉप से लेती हूँ, ताकि कम से कम कुछ ख़राब हो कुछ गलत निकले तो गारंटी तो होती है। दुकान पर जाकर आप कह सकते हो कि भाई ये चीज़ आपकी ख़राब निकली है इसको चेंज करके दो, लेकिन यहाँ पे अभी भैया चले जाएंगे तो, हालांकि ये इसमें कोई ऐसी खास वाली बात है नहीं, ये कॉटन थोड़ा बहुत श्रिंक होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे फिर दोपहर का नहीं, ये दोपहर का नहीं, ये शाम का है, दोपहर का खाना थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह बनाई थी वो खा ली सबने, क्योंकि जो भगवान का भोग होता है पांचवें नंबर पर उसमें खिचड़ी आती है, तो यहाँ पे शाम के टाइम बच्चों को आलू मटर वगैरह जो खाना बनाया था पूरी वगैरह सब वो खिला दिया है यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन भी चलाए हुए हैं, थोड़े भजन वगैरह चलते रहते हैं पूरा दिन आज दिन तो, पर यहाँ पे मैंने इसको शो नहीं किया है किसी चीज़ को भी, क्योंकि ना जो सॉन्ग वगैरह चलते हैं फिल्म वगैरह चलते हैं या हम उस पर कुछ जो भी हमने डांस वगैरह किया लाला को जाने के लिए, वो सब जो है ना अगर ऐड करती हूँ तो कॉपीराइट आने का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप भी मत करना कभी भी लॉन्ग वीडियो में ये चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी कॉपीराइट फिलहाल नहीं आया है लेकिन बाद में आता है, और उसकी वजह से ना पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है, या तो आप उस सॉन्ग को बंद करोगे रिप्लेस करोगे तो चक्कर में पूरी वीडियो ख़राब होती है। इसलिए अभी यहाँ पे रात का टाइम है, रात को 10 बज गए हैं, तो मुझे लग रहा था अब बच्चे सारा दिन बैठे बैठे थक गए होंगे, इनको हैवी श्रृंगार कर रखा था, तो मुझे लगा कि नहीं जब उस टाइम पे नहलाएंगे ठीक है नहला देंगे, लेकिन अभी इनको हल्का कर देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बाबू के कपड़े वगैरह सब उतार दिए हैं, ड्रेस वगैरह उतार दिए हैं, इनको हल्का कर दिया है। अभी यहाँ पे ये बस मेरे नाना के लिए मेरा प्यार है, उनके गले मिलके जो मुझे अच्छा लगता है बस वो है, ये ज़्यादा नहीं बोल सकती चीज़ें तो मैं। और यहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही हल्का श्रृंगार वगैरह उतार देना, राधा रानी का भी और माधव का भी, तो यहाँ पे उनके जो भी सेवा होती है वो करते हैं हम रात को सोने से पहले, कि हाथ पैर दबाना उनकी मालिश करना, क्योंकि वो बैठे बैठे थक जाते हैं वो सब कर रही थी यहाँ पे। ये सोचकर बाबू को लेटाया था यहाँ पे कि रात को उठेंगे, लेकिन हम उठ नहीं पाए, हमारी हमसे गलती हो गई थी आज के दिन, पता नहीं कैसे हो गई, हम जगे हुए थे अच्छे खासे और अचानक से हमारे टाइम पर आंख लग गई तो 15-20 मिनट पहले, और हमने बाबू को ना ना तो नहला पाए हम ना अपना फास्ट खोल पाए, हम उठे थे 1 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, राधे राधे।